शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। इसके साथ कर्नल जी, बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल देख रहे हैं कि 3000 के लेवल्स के दायरे में ही घूम रहा है एनसीडीएक्स पर काफी समय से। आपको क्या लगता है, क्या बिनौला खल में अब यहां से कुछ तेजी बन पाएगी? देखिए, बिनौला खल का जो सीधा संबंध कॉटन से होता है, रूट से होता है। कॉटन के अंदर जो सीसीआई ने जो अभी रिवाइज रिपोर्ट की है, उसके अंदर 5 लाख गांठें और घटाई है, और ये 3 करोड़ 43 लाख गांठ की बात है। और आपको याद होगा सितंबर अक्टूबर में जब खरीफ की फसल आई थी, उस टाइम भी हमने कॉटन के ऊपर यही कहा था कि जो ये 3 करोड़ 61 लाख गांठ की बात कर रहे हैं, के हिसाब से मुझे इसमें ठीक नहीं लगता, क्योंकि मौसम में भी खराबी की है, बेमौसम बरसात सितंबर अक्टूबर के अंदर कॉटन के अंदर काफी परेशानी करी। इसके बाद में फिर उसका पिंक बॉम्ब जो है, गुलाबी सूंडर है, उसने भी फसलों को नुकसान पहुंचाया। और ये जो 3 करोड़ 61 लाख की जो बेल्स की जो एक गणित है, ये गणित के ऊपर हमने पहले भी प्रश्न उठाया था। आज फिर आपको दोबारा फरवरी मार्च के अंदर दोबारा मैं कह रहा हूँ कि ये इसके अंदर इतनी गांठें आने की संभावना नहीं है, और इस साल लगभग 20-22% के तकरीबन फसलों को नुकसान होने की उम्मीद है हमारे गणित के हिसाब से। तो कुल मिला के इसके अंदर शॉर्टेज ही है। एक दूसरा जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी कॉटन की प्राइस लगातार तेजी की तरफ है, उसके अंदर 129 तक ये गई थी आईसी में, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा कुछ करेक्शन होता है ऊपर नीचे का, लेकिन कुल मिला के इसके अंदर कॉटन के अंदर परेशानियां है, इसके अंदर पूरा माल नहीं है। और एक और विशेष बात है कि कॉटन के अंदर जो किसान के पास एक ए ग्रेड की क्वालिटी और बी ग्रेड की क्वालिटी का जो माल है कॉटन का, वो किसान अच्छे भावों में बेचने की उम्मीद से उसको बाजार में भी कम ला रहे हैं, क्योंकि नई फसल आने में भी 6-7 महीने बाकी है, तो इसका पूरा फायदा किसान उठाना चाहता है। और एक और महत्वपूर्ण बात है, सीसीआई के पास में जो पिछला क्लोजिंग स्टॉक था, इस बार वो क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं है, तो कुल मिला के पोजिशन टाइट ही है। अब पॉइंट ये है कि जब कॉटन बाजार में कंपैरेटिवली कम होगी, तो उसके उस दशा के अंदर बिनौला कहाँ से निकलेगा, और बिनौला नहीं निकलेगा तो उतनी क्वांटिटी में तो उसकी खल कहाँ से बनेगी, तो ये फंडामेंटल समझना जरूरी है। अब इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि पशु आहार है ये बिनौला खल, अभी एक सीमा से बहुत अधिक ऊपर जाएगा तो फिर किसान उसके अंदर अल्टरनेट ढूंढने लगते हैं, दूसरी चीज उसके अंदर मिक्स करने लगते हैं। तो कपास या खली के अंदर ये जो लेबल्स है, इन लेबल्स के ऊपर बाई करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर मैं आपको कहूंगा कपास या खली जैसी चीजें, क्योंकि अब क्योंकि ऑयल सीड्स बाजारों से एनसीडीएक्स से हट चुका है, रिफाइंड ऑयल हट गया है, पाम ऑयल हट गया है, तो इसके अंदर कुछ ही कमोडिटीज बची हैं जिसके अंदर लोग इसके अंदर अच्छी क्वांटिटी अंदर बाइंग सेलिंग करके कमाते हैं, तो उसमें कपास खली भी एक है, जिसे कॉटन सीड ऑयल के कहते हैं। तो इंटरडे के अंदर मुझे लगता है कि आज कपास खली के अंदर तेजी की संभावनाएं बन सकती है, निचले स्तर पर लिए जा सकती है। जी अखिलेश जी, जी कन्हैया जी, जी फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।